दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉड लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पे बताया था कि फ्रॉड लोन जो है बैन हो चुका है, तो अभी भी जो है प्ले स्टोर में दिख क्यों रहा है। दोस्तों अगर आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को वहां पे सुनने को ये भी मिला होगा कि कुछ हद तक जो है अभी भी है, जैसे कि 10-20 ऐसा है अभी भी प्ले स्टोर में। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि गायब हो चुका है टोटली। अब यहाँ पे एक बात है कि गायब हो गया है, क्या ये वापस नहीं आ सकता? आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। क्या ये लोग गायब होने के बाद भी आप लोगों को परेशान कर सकता है? क्या ये गायब हो रहा है प्ले स्टोर से, तो क्या ये फायदेमंद है? तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों बहुत सारे लगभग 95% लोग एनबीएफसी या फिर फ्रॉड लोन एप्लीकेशन जो भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है, सभी लोन एप्लीकेशन में लोन लिए हैं और फंस चुके हैं। एनबीएफसी का बात अलग है, वहां पे क्या होता है कि आप लोगों को लीगल नोटिस का धमकी देता है, कॉल करता है आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन फ्रॉड लोन का क्या है, आप लोगों को पता है फ्रॉड लोन क्या करते हैं? आपको 7 दिन का लोन देता है, छोटा अमाउंट होता है, बड़ा भी अमाउंट नहीं होता, 3,000 का अमाउंट होता है, 2,000 देता है, और जब वापस लेता है तब क्या करते हैं, मतलब क्या ही बताओ, स्पीचलेस। यहाँ पे आप लोगों को क्या बताओ, आप लोगों को अगर आपने लोन लिया है तो आप लोगों को पता है कि कितना अमाउंट वो लोग रिपे करते हैं, वहां से लेते हैं रिटर्न, सीधी तरीके से आप लोगों को लूटता है। ये मैं आप लोगों को साफ तौर पर बता रहा हूँ, फर्जी लोन एप्लीकेशन। अगर आप लोग 6 दिन में रिपेमेंट नहीं करते हो, 7 दिन का टाइम देता है, 6 दिन से आपको परेशान करना स्टार्ट कर देगा, आपके फोन पे फोन आना स्टार्ट हो जाएगा, एसएमएस आना स्टार्ट हो जाएगा, धमकी देना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये भी बोलोगे उनको कि अभी तो 6 दिन हुआ है, 7 दिन का टाइम है, तो वो लोग बोलेगे नहीं अभी पेमेंट करो, क्योंकि भाई उन लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे जो है बता रहे हैं आप लोगों को कि भाई फर्जी लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोगों ने पैसा लिया है, लोन लिया है, तो भाई वापस मत करो, तो इन लोगों का जो है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम तो होगा ना। तो ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों को डराने के लिए तरह तरह की तरकीबें जो है अपनाते हैं। अब तरह तरह की तरकीबें कैसे अपनाते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करना सबसे मेन चीज, सबसे ज्यादा डरावने वाला चीज जो है, सबसे ज्यादा जो है डराते हैं वो लोग क्या कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करेगा। कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करके आपका जो है फोटो मॉर्फ करके किसी गंदा पिक्चर्स के साथ, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड, या फिर जो आधार कार्ड आपने वहां पे प्रोवाइड किया होगा, सॉरी पैन कार्ड और आधार कार्ड, उसको जो है फोटो में लिखेगा गंदा गंदा चीजें, और उसके क्या करेगा आपके रिलेटिव्स के व्हाट्सएप नंबर पे जो है पोस्ट करना चालू करेगा, ये सब चीजें करते हैं। अब यहाँ पे बात आते हैं, मैं आज जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो क्या है कि अगर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से जो प्ले स्टोर से हट रहा है, तो फिर भी जो है ये लोग कॉल कर रहे हैं, क्यों कॉल कर रहे हैं, अभी भी परेशान करते ही जा रहे हैं, प्ले स्टोर से हट गया फिर भी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि प्ले स्टोर से हटा है वो लोग तो अपना ऑपरेशन तो चला रहा है ना, आपका जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट था वो तो उन लोगों के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपने तो उन लोगों को पैसा लेके मतलब उन लोगों को फंसा दिया है। तो वो लोग क्या करते हैं, प्ले स्टोर में क्यों है, प्ले स्टोर में सिर्फ रहना ये है कि आप लोगों तक पहुंच सके। अब यहां से प्ले स्टोर से गायब हो गया है कोई मतलब नहीं है इन लोगों का, ठीक है, ये लोग आप लोगों तक पहुंच गया है, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट उन लोगों के पास पहुंच गया है, तो यहाँ पे प्ले स्टोर का कोई काम है ही नहीं। अब नेक्स्ट बात है गूगल एड्स। अब गूगल एड्स में क्या होता है कि वहां पे पैसा देके किसी भी एप्लीकेशन का प्रमोशन किया जाता है, तो इसी तरीके से ये लोग भी प्रमोशन करते हैं। प्ले स्टोर नहीं तो क्या हुआ, प्ले स्टोर में आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वहां पे अगर आप किसी भी जगह पे लोन सर्च करोगे या फिर कभी भी सर्च किए होंगे, तो गूगल आपके सामने वही एप्लीकेशन का नाम शो करेगा कि भाई यहाँ से लोन लो। गूगल का थोड़ी ना पता है कि भाई ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन, भाई गूगल पैसा ले रहा है प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, इसी का फायदा उठाते हैं कि भाई तुमको अभी ढूंढना नहीं है, अभी मैं आप तुम लोगों के पास जाऊंगा खुद, तुम लोगों को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें ये लोग करते हैं। आप लोग अगर सोच रहे हो कि प्ले स्टोर से हट गया है तो बहुत बढ़िया चीज है, कोई बढ़िया चीज नहीं है, प्ले स्टोर से हटा है, अभी हटा है, कल दिन में 2-4 दिन बाद देखेंगे आप प्ले स्टोर में फिर से वापस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, आप लोगों को मालूम ही नहीं। अगर आप लोग प्ले स्टोर में, मतलब सिर्फ प्ले स्टोर में, जहां पे प्ले स्टोर में एप्लीकेशन डाला जाता है वो प्ले स्टोर गूगल प्ले कंसोल का एक अकाउंट होता है, वहां पे जाके कोई भी एप्लीकेशन डाल सकता है, कोई वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई ये रजिस्ट्रेशन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, कोई जीएसटी लगाओ, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। एक एप्लीकेशन वहां पे डाल दिया फिर से वो पब्लिश हो जाएगा प्ले स्टोर में। यहाँ पे आरबीआई बैन किया है, जो पहले का था वो बैन हुआ है, अब नया नहीं आएगा, ये बात तो यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है, आएगा ये 110%, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे ट्राई करके देखा हूं कि हाँ कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में डाला जा सकता है, वहां पे कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नीड नहीं है। तो आप लोगों को ये जो गलत फहमी आपके मन में बैठा हुआ है कि भाई प्ले स्टोर से हट गया है तो बहुत बढ़िया है, फिर भी कॉल क्यों कर रहे हैं, कॉल करेगा दोस्तों क्योंकि आप लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास है, वो लोग धमकी तो वैसे ही देता है, अब तो ज्यादा से ज्यादा करेगा ना, क्योंकि सबको पता चल गया है, उन लोगों को पता चल ही गया कि भाई हम लोग तो बैन हो गए हैं, अब ये लोग तो सोचेंगे भाई पैसा दे नहीं पाएगा, देना नहीं होगा, तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा आपको परेशान करेगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान में यही रखना है कि मैंने आप लोगों के लिए जो भी ट्रिक्स अपनाने के लिए बोला है, फॉलो करने के लिए बोला है, सिर्फ वही ट्रिक्स आप लोगों को फॉलो करना है, बाकी कोई अलग ट्रिक्स नहीं है कि वहां से आप लोग निकल सको,
कोई भी ऐसा यूट्यूब में वीडियोस नहीं बनाया होगा कि आप लोगों को ट्रिक्स बताए। मैंने आप लोगों को जो ट्रिक्स बताए वो ट्रिक्स आप लोग अप्लाई करो, सिर्फ 1 मंथ के अंदर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, मेरा गारंटी है दोस्तों। तो आप लोग, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम से निकल भी चुके हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग बोले कि हमें वहां से निकल चुका हूँ, इस तरीके का प्रॉब्लम्स जो कि फेस कर रहा था, आपका सॉल्यूशन जो मैंने फॉलो किया था तो मुझे मिल गया। तो आप लोग क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो? आप लोग फॉलो करो, वीडियोस को देखो जाके, मुझे कमेंट करना, मुझे एसएमएस करना से कोई फायदा नहीं है। मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए ले दे दिया है ना, सभी अलग अलग तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियोस मतलब एसएमएस कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को अगर लग रहा है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन आप लोगों को ज्यादा ही कर रहा है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, सिम जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो बंद कर दीजिए, फोन ही नहीं आएगा आपके पास तो आपको परेशान कौन करेगा, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर जाएगा। उसके लिए मैंने आप लोगों को सोल्यूशन दे दिया, व्हाट्सएप में जाकर स्टेटस डाल दो कि इस तरीके का फ्रॉड हुआ है आप लोगों के साथ, और फर्जी लोन वाले हैं, फर्जी लोन के साथ फर्जी तो करना ही पड़ेगा ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एनबीएफसी के साथ ऐसा नहीं करना है, एनबीएफसी का पैसा लिए हो आप लोगों ने, पेमेंट कर सकते हो तो कर दीजिएगा, क्योंकि सिविल का मैटर होता है, ठीक है। और उन लोगों के पास बहुत सारा जो है लीगल कार्रवाई करने का जो है प्रोसीजर होता है, लेकिन वो करता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ उनके पास अथॉरिटी है, वो इसलिए आप लोगों को डराते हैं लीगल एक्शन के लिए। लेकिन इन लोगों के पास तो कुछ ऐसा है नहीं कि वो आप लोगों को डरा सके, इसलिए वो इलीगल वे से आप लोगों को डराता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बताऊंगा, ये करूंगा, गाली देगा, ये करेगा। तो ये सब आप लोगों को झेलना है, झेल रहे हो अगर, तो आप लोग ये फॉलो करो, आप लोग आसानी से निकल जाओगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।